नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। शुभ संध्या। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जून महीने की करंट अफेयर सीरीज हर जो मंथली वाइज चल रही है, आज उसका तीसरा लेक्चर है। इस मंथ की जो भूगोल, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित करंट अफेयर है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की पहली न्यूज हमारे पास है फ्लड हैजार्ड एटलस, मीन्स बाढ़ जोखिम एटलस। अभी जून के महीने में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा इस एटलस को जारी किया गया। इस एटलस का निर्माण जो है इसरो की संस्था नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर, जो कि हैदराबाद स्थित है, प्लस उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों के प्रयासों से मिलकर ये एटलस का निर्माण किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर स्थित है। UPPCS जैसे एग्जाम्स में आपसे मिलान के लिए बोल सकता है, ये जो है हैदराबाद स्थित है। दूसरी बात, ये इसरो की संस्था है, इसरो के अंतर्गत कार्य करता है। अब फ्लड हैजार्ड एटलस में क्या है, फ्लड हैजार्ड एटलस में क्या किया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से इमेज ली गई हैं और उसको एनालाइज करने के बाद ये बताया गया है कि उड़ीसा की लगभग 14 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो फ्लड की वजह से प्रभावित हुई है। सन 2001 से 2018 के बीच में, इन 18 वर्षों में ये प्रभाव हुआ है। और बताया गया है कि जो 30 जिले हैं, 30 में से 8 जिले जो हैं वो बाढ़ से ज़्यादातर प्रभावित रहे हैं। अब इस एटलस का निर्माण इसलिए किया गया है जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में वो बाढ़ जैसी आपदाओं से या अन्य आपदाओं से आसानी से निपट सकें एवं प्रभावी नीतियाँ बना सकें। ठीक है, तो ये थी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं ज्योग्राफी के अदर पोर्शन से कि उड़ीसा में ही क्यों इतनी बाढ़ या आपदाएं आती हैं। तो हमें जानकारी है कि उड़ीसा का जो कोस्टल इलाका है वो करीब 480 किलोमीटर लंबा है। जब 480 किलोमीटर लंबा इलाका होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कैसी कैसी आती हैं, जैसे बाढ़ आएगी, चक्रवात आएगी, सुनामी आएगी, ठीक है, फ्लड है, साइक्लोन्स हैं, सुनामी, इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यूस आती हैं जिसकी वजह से राज्य की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा कारण क्या है कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आपदाएं आती हैं, दूसरा कारण ये है कि महानदी, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी एवं ऋषिकुल्या जैसी नदियाँ हैं जिनके बड़े बड़े डेल्टा उड़ीसा के कोस्टल तट पर हैं, तो जिनकी वजह से ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये तो हुए कारण, ये आप मेंस में लिख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक क्वेश्चन और जानना है या बन सकता है वो ये है कि महानदी, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकुल्या, इन नदियों का आप क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे महानदी, सुवर्णरेखा, इन चारों नदियों को का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो उत्तर से दक्षिण तक का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली न्यूज़ के बाद हम लोग दूसरी न्यूज़ चलते हैं। साइक्लोन वायु चक्रवात अरब सागर में से शुरू हुआ, गुजरात तट की ओर हिट किया। ठीक है, अब इसके बारे में जो जानने वाली बात यह है कि इस चक्रवात साइक्लोन वायु का नाम जो है वो भारत ने दिया है। सामान्यता क्या होता है, प्रत्येक चक्रवात, जितने भी साइक्लोन आते हैं उनका जो नामकरण होता है वो किसी न किसी देश के द्वारा दिया जाता है। किसी एक अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे नामकरण होता है। साइक्लोन वायु जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो गुजरात के तट की ओर आया। ये है क्या कंटेक्स्ट है इस न्यूज़ का। अब हम जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन कब और कैसे आते हैं, इनके लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए। आप अपनी कॉपी में देखिएगा, स्टैटिक पोर्शन में ये लिखा होगा, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए तीन कंडीशन या चार कंडीशन होना जरूरी है। एक, लार्ज सी सरफेस, समुद्र का एरिया जो है, जो महासागर है उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उस महासागरी जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब तापमान ज़्यादा होना चाहिए। जब तापमान ज़्यादा होगा तो आपको पता होगा कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, तो निम्न दबाव का क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वहाँ पर कोरियोलिस बल की उपस्थिति हो। आपको पता होगा जब पृथ्वी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो एक बल, एक आभासी बल
उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल बोलते हैं। तो कोरियोलिस बल का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम एक सवाल प्रीलिम्स में देखते हैं, कभी कोई पूछा जाता है कि क्या कारण है कि इक्वेटर पर कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आते हैं। तो 0 से 8 डिग्री, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 0 से 8 डिग्री अक्षांश लेटीट्यूड के बीच कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं देखे जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वहाँ पर कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस फोर्स नहीं होता है। तो हमारे पास ये आज की 2 न्यूज़ थी। इसके बाद हम आज की 3री न्यूज़ डिस्कस करेंगे जल्दी से। कमज़ोर मानसून, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम जो विभाग है, उसने बताया है, जून के महीने में बताया था कि इस बार मानसून जो है वो कमज़ोर रहेगा और थोड़ा देरी से आएगा, देरी से और कमज़ोर से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब घोषणाएं जो हैं या जो डिक्लेरेशन है, जो भविष्यवाणी है, वो कौन करता है, उसका काम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या, ये याद कर लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इस देश में मौसम का पूर्वानुमान, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट के बारे में, इसके अलावा सीज्मोलॉजी मींस भूकंप वगैरह के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, मींस बहुत ही पुरानी संस्था है, ठीक है। इसके अलावा इसका कार्य ये भी होता है कि जैसे सिंचाई से रिलेटेड या कहीं पे सूखा पड़ने वाला है उसके बारे में भी पहले से पूर्वानुमान देना, सुनामी के बारे में जानकारी देना, ये सब इसके कार्य हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको लग रहा होगा मौसम से रिलेटेड जानकारी देता है तो ये कहीं पर्यावरण मंत्रालय में तो नहीं है, नहीं, ये पर्यावरण मंत्रालय में ना होके इसका मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का मतलब हुआ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विभाग आता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व मौसम संगठन जो है, उसकी 6 रीजनल ब्रांच हैं, क्षेत्रीय ब्रांचेज हैं, उनमें से एक जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC शायद एक बार आ भी चुका है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। लिंक करके जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस होंगे उनको इरेज करने की क्षमता या डिलीट करने की क्षमता बढ़ा सकेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एलिमिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही आंसर ला सकते हैं। दूसरा, एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, मींस दीर्घ अवधि औसत क्या होता है, LPA। LPA क्या होता है? LPA के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि इस देश में, अपने देश में बारिश या वर्षा जो है उसका पूर्वानुमान कैसा है, वो कम है, ज़्यादा है, बिलो एवरेज है, एक्सेस है या डेफिशिएंट है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज को जो हम डिफाइन करते हैं उसका मतलब होता है कि पिछले 50 वर्षों में दक्षिण पश्चिम मानसून, आप जानते होंगे कि भारत में वर्षा जो होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होती है मुख्यतः। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कुल औसत प्राप्त वर्षा को लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, मींस पिछले 50 वर्षों में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो औसत वर्षा होती है प्रतिवर्ष, उसको लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, अर्थात LPA बोलते हैं। और LPA के संदर्भ में ही मानसून की स्थिति मापी जाती है, अर्थात मानसून स्ट्रांग है, कमज़ोर है, ये 5 कंडीशन LPA के ही संदर्भ में मापी जाती हैं। ये UPSC का एक फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है और क्वेश्चन बन भी सकता है। पहला होता है डेफिशिएंट रेनफॉल। किस कंडीशन को आप बोलेंगे कि इस देश में इस बार डेफिशिएंट, मतलब कि इस बार सूखा पड़ने के चांस रहे हैं, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट कंडीशन वो होती है कि जब उस वर्ष 90% ऑफ LPA जो एवरेज है उसका 90% तक बारिश हुई हो। दूसरा, बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल कंडीशन तब होती है जब LPA जब एवरेज से 90-96% वर्षा प्राप्त की गई हो। तीसरी होती है नॉर्मल, जब सामान्य वर्षा कब मानेंगे, सामान्य वर्षा वर्ष कब होगा, जब नॉर्मल 96-104, आप देखिएगा 96-104% ऑफ LPA। ये 8% के गैप की वजह से कभी कभी इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आप मेंस में कभी आप लिखेंगे आंसर तो आप पता चलेगा आपको
कि 8% का एक बड़ा गैप होने की वजह से वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आप 96% को भी आप नॉर्मल मानते हैं और 104 को भी नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। चौथी, अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा, 104 से 110%, और एक्सेस रेनफॉल मानते हैं तब जब 110% ऑफ LPS से भी ज़्यादा बारिश हुई हो, ठीक है। तो ये कमज़ोर मानसून के बारे में जो उस समय IMD की भविष्यवाणी थी उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर का पार्ट है। चौथी हमारे पास न्यूज़ है माउंट एटना, हालांकि ये जुलाई की न्यूज़ है लेकिन ये लगभग न्यूज़ में बना रहता है क्योंकि माउंट एटना पे जो ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, वो एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन जान लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिसली का द्वीप है, आइलैंड है इटली में, इटली का आइलैंड है सिसली, यहाँ लिख दे रहा हूँ सिसली। जब आप इटली का कभी मैप देखिएगा ऐसे करके तो एक छोटा सा आइलैंड है सिसली। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइटिंग करके, आप उसको जरा कमेंट सेक्शन बताइएगा कि वो क्या है, ठीक है। और ये किस सागर में है, कौन से सी में है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। अब है क्या, ये जो है माउंट एटना, यहाँ पर क्या है, टॉलेस्ट वॉल्केनो इन यूरोप, ये यूरोप का टॉलेस्ट वॉल्केनो है, सबसे लंबा जो है ज्वालामुखी है। दूसरा, ये विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर भी घोषित है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है, इसलिए चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। ये वर्ल्ड विश्व धरोहर भी है, वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ठीक है। भूगोल की पांचवी, ज्योग्राफी की पांचवी न्यूज हमारे पास है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मींस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लिफ्ट। नॉर्मली आपने सुना होगा इरिगेशन या सिंचाई, पानी का फ्लो कैसे होता है, ग्रेविटेशनल की दिशा में होता है, स्लोप में होगा, यहाँ से पानी चलेगा नीचे जाएगा, लेकिन ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसलिए इसको बाहुबली प्रोजेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है और ये मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज मीन्स बहुउद्देशीय, मीन्स इससे सिंचाई भी होगी, पेयजल के लिए भी होगा, उद्योग के लिए भी पानी आएगा और तेलंगाना के बड़े भाग में, ये कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो तेलंगाना को पानी भी मिलेगा, सिंचाई के लिए भी मिलेगा। अब लिफ्ट परियोजना होती क्या है, मैंने आपको बताया लिफ्ट परियोजना में क्या होता है, पानी को मोटर के सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी पंप की सहायता से एक लेवल पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद इसका फ्लो होता है, ठीक है। है क्या, तेलंगाना का जो भाग है वो सी लेवल से ऊंचा है, गोदावरी नदी नीचे, तो इसलिए का ऊपरी भाग में तेलंगाना के वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। तो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पानी पहुँचाएंगे। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट किस नदी पर है, गोदावरी पे। एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए गोदावरी नदी और प्राणहिता नदी का कॉन्फ्लुएंस जो है, जो मिलन होता है, प्राणहिता और गोदावरी नदी का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, जो मिलन होता है, वहाँ पर एक गांव है कालेश्वरम, इसी के नाम पर इसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि प्राणहिता नदी की कौन कौन सी सब्सिडियरी हैं, कौन कौन सी। प्राणहिता नदी भी तीन नदियों से मिलकर बनी हुई है, इन तीनों नदियों का आपको नाम बताना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता और प्राणहिता की तीन अन्य सहायक नदियां हैं, उन तीनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि गोदावरी और प्राणहिता के कॉन्फ्लुएंस, जहाँ मिलन होता है, वहाँ कालेश्वरम गांव में इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास एक अंतिम न्यूज बचती है जो है लोअर सुवनसिरी प्रोजेक्ट। लोअर सुवनसिरी परियोजना क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंतिम न्यूज में बता रहा हूँ, लोअर सुवनसिरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जल विद्युत परियोजना मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोअर सुवनसिरी। सुवनसिरी जो है ये एक नदी है, कहाँ पर है ये नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुवनसिरी। सुवनसिरी नदी जो है
वो तिब्बत के पठार से निकलती है। आप जब मैप देखेंगे तो तिब्बत के पठार जो तिब्बत है, तिब्बत का जो पठार है वहाँ से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हैं, अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में जाके ये गोदावरी नदी से मिल जाती है, ठीक है, गोदावरी। और यहीं पर आपको जो है मिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, मिरी हिल्स। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मिरी के साथ साथ और कौन सी दो हिल्स और साथ में आती हैं, दो और हिल्स होती हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन बताएगा। सारी चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तो देर तक याद रहेगा। तिब्बत के पठार से निकलती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदी में ये आसाम में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? आसाम में मिलती है, ठीक है। इस पर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये कॉन्टेक्स्ट में इसलिए था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एनजीटी ने यहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य थे उन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य होते रहे तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में आई थी, ठीक है, कंट्रोवर्शियल हो गई थी। तो हम यहाँ से जान लेते हैं कि और कौन कौन सी कंट्रोवर्शियल परियोजनाएँ देश में चलती हैं, इसी के साथ लिंक कर लेते हैं। और तो हम लोअर सुबनसिरी रहे थे, जैसे आपने सुना होगा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर। ये चार राज्यों से आता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। इनका पानी और जो बिजली है वो चार राज्यों में डिवाइड होती है, सरदार सरोवर बांध। ये भी कंट्रीब्यूशन विवादों में रहा था क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोगों का विस्थापन हुआ था जब ये डैम बना है, इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई थी, ठीक है। दूसरा डैम है मुल्ला पेरियार डैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुल्ला पेरियार डैम। और मैं एक बात आपको बता दूं, लोअर सुबनसिरी का जो प्रोजेक्ट था वो ग्रेविटी बेस्ड डैम था, ये भी ग्रेविटी बेस्ड गुरुत्वाकर्षण आधारित डैम है। और ये भी मुल्ला पेरियार डैम भी ग्रेविटी बेस्ड डैम है। UPSC जरूर पूछ लेती है चार ऑप्शन देके, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4 कितने सही हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि मुल्ला पेरियार डैम इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविटी बेस्ड डैम और अदर बेस्ड। तो मुल्ला पेरियार जो डैम है वो ग्रेविटी बेस्ड है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये केरल में है, केरल में एक ज़िला है इडुक्की ज़िले में स्थित है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसका स्वामित्व एवं संचालन, इसका ऑपरेशन, इसका मैनेजमेंट तमिलनाडु सरकार के पास है, ठीक है। इस डैम के बारे में भी दोनों सरकारों के बीच में विवाद चलता रहता है, मुल्ला पेरियार डैम। और किस नदी पे है ये? एक पेरियार नदी है, पेरियार नदी पर स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु इसका स्वामित्व करता है, केरल में ये स्थित है। इसके साथ ही एक डैम और देख लेते हैं, किशन गंगा बिजली परियोजना। भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है किशन गंगा परियोजना को लेकर। किशन गंगा ये परियोजना जो है वो है J&K में, किशन गंगा नदी पर। वर्ल्ड बैंक ने इस विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थता भी की थी लेकिन इसका समझौता नहीं हो पाया था। किशन गंगा किसकी टेरिटरी है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हमने तीन डैम रिवाइज कर लिए, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, मुल्ला पेरियार डैम जो केरल में है लेकिन इसका स्वामित्व तमिलनाडु सरकार के पास है, किशन गंगा डैम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ, ग्रेविटी डैम क्या होते हैं? ग्रेविटी डैम वो डैम होते हैं जो कंक्रीट या पत्थर से बने होते हैं। दूसरा, ज़मीन पर जिनका स्थायित्व, ठीक है, जिनकी पूरी स्थायित्व, जो इनकी डैम की स्टेबिलिटी ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर तय होती है, ज़मीन पर उनका स्थायित्व जो है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका गुरुत्वाकर्षण बल की होती है, जिसकी वजह से उनको ग्रेविटी डैम बोला जाता है। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएंगे। जो भी आपकी समस्याएँ हों, जो भी आपके फीडबैक हों, ज़रूर हमें दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।